खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। क्षेत्र में अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन पर लगातार हो रही कार्यवाहियों से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के मार्गदर्शन और नगर अधीक्षक देवेश कुमार पाठक और कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार पांडे के सतत निगरानी में खुटार चौकी प्रभारी सुरेंद्र यादव ने आज अवैध रेत का परिवहन करते एक ट्रीपर को पकड़कर खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। जानकारी अनुसार कस्बा भ्रमण के दौरान खुटार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक टीपर द्वारा ग्राम कटौली तरफ से ग्राम परसौना की तरफ से अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है। खुटार चौकी प्रभारी द्वारा मुखबिर द्वारा मिली सूचना की तस्दीक हेतु एक टीम रवाना की गई, जिन्होंने उक्त रास्ते में एक टीपर को रेत लोड कर जाते देखा, जिसे रोक कर टीपर चालक ने उक्त बालू परिवहन के कागजात मांगे तथा रेत परिवहन से संबंधित कागजात नहीं मिलने पर टीपर को जब्त किया गया। वहीं चालक दशरथ बिहार पिता लाल बाबू बिहार को अपराध क्रमांक 23/22 धारा 379, 414 और 4/21 खनिज अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर विवेचना में लिया गया। साथ ही बालू लदे उक्त टीपर को सुरक्षित थाने में खड़ा करा लिया गया। तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।